नेक्स्ट, ये फ्लूइड के एक कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हॉरिजेंटल में प्रेशर चेंज नहीं होता, देयर इज नो प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन फ्लूइड, इज स्टैटिक रहती है तब यार, ठीक है। अगर कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर फ्लूइड रेस्ट में है, ठीक है, तो अगर मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करता हूँ, हॉरिजेंटल बोले तो ये वाला लाइन, इस लाइन में अगर मैं मूव करता हूँ तो प्रेशर चेंज नहीं होता है, फ्लूइड स्टैटिक में प्रेशर चेंज नहीं होता। उस पे इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। अब ये कह क्या रहा है, देखो ये कह रहा है कि अगर एक ट्यूब है, इनिशियली वाटर यहाँ था, इनिशियली ये लेवल था, मैं दूसरे कलर से इसको लिखता हूँ, ये वाला लेवल था, इनिशियल लेवल था ये प्यारे बच्चों, हमने कुछ वाटर भर दिया, इसका फाइनल लेवल ये चेंज कर दिया इधर, ये ट्यूब इंड ऑफ द एटमॉस्फेरिक पार्शियली फिल्ड ऑयल इज सबमर्सिबल, ऑयल इज इमिसिबल अपॉन वन इंड, इधर मैंने ऑयल रखा तो ये जो वाटर का लेवल है वो इधर राइज हो गया इतना, और ये सारे डिस्टेंस दिया हुआ, ये 65 है, 65 एक्चुअल 10 है, ये ऑयल है, ये वाटर है, तो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। मीन वाइल द वाटर राइज बाई 6 डेंसिटी ऑफ ऑयल, यहाँ जो ऑयल यूज हुई है उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो हम सबको पता है कि प्रेशर जो है वो सेम लिक्विड में होता है, क्या प्रेशर यहाँ पे, क्या यहाँ पे और प्रेशर यहाँ पे इक्वल होगा, हाँ नहीं यार, यहाँ कैसे इक्वल होगा, यहाँ ऑयल है और यहाँ वाटर है, तो यहाँ थोड़ी इक्वल होगा, सेम लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल में, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा, पर यहाँ पे दोनों पे प्रेशर इक्वल होगा, पर यहाँ पर लेना कोई इंटेलिजेंट वाली बात है ही नहीं, ये डिस्टेंस हमें प्रॉब्लम करेगा, तो मैं जस्ट वाटर के इस वाले सरफेस पे ले रहा हूँ जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, ये दिस पॉइंट, यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो प्रेशर P1 विल बी इक्वल टू P2, प्रेशर P1 विल बी इक्वल टू P2। अगर ये प्रेशर इक्वल है तो अब इनको लिखो, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी यार, ये वाली हाइट तो 65 130 और 10 140, ठीक है। तो वन ऑयल के लिए लिख रहा हूँ, प्रेशर क्या होता है, एच हाइट के नीचे प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, रो जी एच, प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ऊपर से पी नॉट प्लस रो डेंसिटी ऑफ ऑयल जी हाइट ऑफ द ऑयल, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर वाटर के लिए पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर जी और हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। हमें चाहिए पी नॉट, ने पी नॉट को ख़त्म कर दिया, जी ने जी को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल जो आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर हाइट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑयल, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको तुम सॉल्व करो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3, हाइट, हाइट ऑफ वाटर, देखो वाटर यहाँ, यहाँ ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, 65 130, ठीक है, तो 130 मिलीमीटर 10 की पावर माइनस 3 मीटर डिवाइडेड बाई, दिस इज द हाइट, हाइट ऑफ द ऑयल, तो 130 और ये 10 140, ठीक है, तो 140 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा वो डेंसिटी रो लेना, ठीक है, ये आ जाएगा डेंसिटी रो 928 केजी मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी पर मीटर की, ठीक है, ये